संगीत जगत में गायनी का नाम, गायिका का नाम लिया तो एक ही नाम सुनाई देते थे, लता मंगेशकर। लेकिन जब एक नई गायिका आके बोले रे पपिहारा के नाम से मैदान में उतरी थी तो लोग एक बार चौंक गए थे, कौन किसकी आवाज है ये? ये साउदर्न सदर्न स्टेट से आई हैं वाणी जयराम, और पूरा हिंदुस्तान में अपने गानों से एक अलग पहचान बना लिए। और वाणी जयराम ऐसे गाती थी कि लोग उसको सुनते ही मुग्ध हो जाते थे। और वाणी जयराम सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी बहुत उमदा गाना गाए हैं। उसका शानदार गीतकार है वो, शानदार गायिका है। इसलिए स्वाध्याय आपके लिए लाई है वाणी जयराम का इंटरव्यू, सुनिए, आनंद उठा लीजिए। वेलकम, स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल वाणी जयराम। नमस्कार, वाणी नमस्कार जी, सिद्धार्थ नमस्कार जी। जी, नमस्कार जी। मुझे ये बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ में नहीं आई कि आपको नाम क्यों नहीं दिया गया व्हेन यू वर बॉर्न। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं 10 दिन की एक्चुअल थी, हमारे में ये होता ना, वैसे हर कम्युनिटी में होता है, आफ्टर यू आर बॉर्न ऑन द 11th डे नाम एक्चुअली फॉर्मली दिया जाता फॉर्मली दिया जाता है। है। उस दिन मेरी माँ बहुत ही बीमार थी बुखार से, और फिर बहुत दुखी हुई, पिताजी से कहने लगी कि वो इस बेटी के लिए हम एक लोग सेकंड, आवाज आ रही है। और वही कल की अनाम बच्ची, आज की मशहूर गायिका, हमारे आज के मेहमान हैं। सो प्लीज वेलकम, स्वागत कीजिए द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल वाणी जयराम। नमस्कार, नमस्कार सिद्धार्थ जी। नमस्कार जी। वाणी जी, ये एक चीज मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि व्हाई डिडंट योर पेरेंट्स गिव यू अ नेम? यू हैव सच अ ब्यूटीफुल नेम एनीवे। नहीं, नाम तो जरूर मिला है, अभी भी नाम हुआ, भी नाम दिया गया, मगर ऐसा हुआ जब 10 दिन की थी मैं, हमारे में तो होता है ऑन द 11th डे आफ्टर योर बॉर्न वो नाम रखने The का name वो is announced on फंक्शन that day. फंक्शन होता है। उस दिन मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, बुखार हुआ उनसे, तो वो बहुत दुखी हुई, पिताजी से वो कहने लगी कि बच्ची के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी लेटी है मेरे पास, मैं भी बीमार पड़ गई। तो माई फादर वॉज जस्ट कंसोलिंग हर, ही सेड कि वाई डू यू वरी अबाउट दिस चाइल्ड ऑफ योर्स, इफ यू आर दैट वेरी परटर्ब्ड, मैं जाके पता कर लूँगा। तो ऐसे डिटेल्स लेके गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, आई मीन नॉट अ वेरी रिनाउंड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, ऐसे किसी से उनसे दिस इज ऑन द 11th डे। 11th डे जी उन्होंने पूछा, वेल्लोर में मेरा जन्म हुआ, जी सम 84 किलोमीटर्स फ्रॉम मद्रास, चेन्नई तो टुडे। चेन्नई टुडे, चेन्नई। तो उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जी ये बड़ी बड़ी होने के बाद बहुत अच्छी गायिका बनेगी, बहुत सुंदर आवाज़ पाएगी, बहुत मशहूर गायिका होगी, तो इसको इस तरह से आप नाम दीजिए, समथिंग क्लोज टू गॉडेस सरस्वती। तो मेरा नाम रखा गया कलईवाणी, मीनिंग गॉडेस सरस्वती।
तो घर में वाणी वाणी पुकारते पुकारते वाणी हो गई। अच्छा, और अब आकाशवाणी पे वाणी जायराम अपने संगीत पेश करती हैं। जी हाँ। ये आपकी बहनें उस वक्त क्या उम्र थी उनकी जब आपकी आपका जन्म हुआ? जी, हाउ ओल्ड वर योर सिस्टर्स? नहीं, वो हम लोग वी आर सिक्स सिस्टर्स हैं और ऑल द सिस्टर्स आर गुड, वेरी वेल ट्रेन्ड सिंगर्स। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, उन्होंने बहुत बड़े विद्वान रंगरामानुज अय्यंगार से सीखा और मेनली बिकॉज ऑफ माई मदर्स एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट हम लोग संगीत सीख पाए। आप बहनों ने एक ग्रुप फॉर्म किया, वेलोर सिस्टर्स। माई एल्डर सिस्टर्स वेर नोन as Velo sisters. You were not part of that? No, I was too young then. Achha, kitni, kya umar thi unki uspar? They were known as Velo sisters when they were about 18, 20. Oh, I see. And I was too young then. You were just, what, two or three years? I would have been, yeah, 2 years or something. Achha, quite a gap between them. So you never actually became part of that Velo sisters group? No. But you heard them singing on stage? Yeah. Main jaati thi unke concerts mein. जब पाँच छः साल की थी तब भी वो प्रोग्राम्स करते थे। तो क्या प्रोग्राम्स होते, कुछ बताइए मुझे उस दिन, उस समय का माहौल जब आप जाती थी, कैसे एक शाम को निकलती थी? वेरी इंटरेस्टिंग डे सिद्धार्थ जी, अ वेरी वेरी रेनाउंड, नॉट एग्जैक्टली रेनाउंड बट वेरी नॉलेजेबल म्यूजिशियन नेम्ड कडलूर श्रीनिवास अय्यंगार, ही वॉज कमिंग होम टू टीच म्यूजिक टू माई एल्डर सिस्टर्स और उनसे our family has learnt about nearly 700 to 800 very rare kritis of Muthuswami Dikshita. Oh, I see. Oh. In very rare ragas like Stavarajam, Nagadhwani, Bhenatyudhi and all that. Right. Main jab bachhi thi kuch 5-6 saal ki, when I was in the first standard, I remember him teaching me lot of difficult things. I still remember them today. Can I have an example of what you learned when you were little? Yeah, मैं 5 साल की थी तब मैंने ये सीखा उनसे स्तवराजम राग में। सुनिए। Very difficult thing, but I remember it. आपको डांट भी पड़ी होगी थोड़ी थोड़ी सी। उसमें चित्तस्वरम जो कहते हैं बहुत ही difficult। दम गा सारी सनी सनी नी सनी पा द दसा री प म गा सा प म पा नी नी दा प प म पा ददनी दबा मग गरे मपा गगा ससा ससानी सानी पनी नी दपा मपनी नी दपा मपा दम गस सनी नी सा रे गा ससा पपा नी दामा गस सानी। Very nice. When I was 5 years old, I used to learn all But this you things. Enjoyed all this? Yes. अब 5 साल की बच्ची जो होती है वो सोचती है कि अब मैं कुछ मिठाई खाऊं, पिक्चर देखूं या कुछ रेडियो चला के कुछ फिल्मी संगीत सुनूं, और आप ये भारी भारी ये जो आपने लास्ट कहा वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं बिल्कुल वही करती थी। क्या? मच अगेंस्ट द विशेस ऑफ माय मदर, मैं ऑलवेज रेडियो लगा के फिल्म संगीत सुनती थी। अच्छा, मगर आपके घर में, घर के माहौल में रेडियो का संगीत एक्चुअली नहीं हुआ करता था। मना है। oh. मना था बिल्कुल, बिकॉज माई पेरेंट्स वेर वेरी मच अगेंस्ट फिल्म म्यूजिक। अच्छा। एंड मेरी माँ इंसिस्ट करती थी कि तुम कर्नाटिक ही सीखोगी और कर्नाटिक म्यूजिक करोगी। अच्छा। मगर मेरा मन तो हमेशा फिल्म संगीत में था। तो आप क्या? मतलब दो स्टेज द म्यूजिक वॉज सो गुड, म्यूजिक वॉज सो फिल्म म्यूजिक वॉज सो। क्या आपके फेवरेट्स थे उन दिनों में? बहुत से। इफ यू आस्क मी वंस व्हेन आई वाज रिहर्सिंग फॉर नायर साहब, when I started singing his sitar interlude, oh, he was astonished to hear me. He asked me, Vani, how do you remember my sitar interludes? Then I told Nayar Saab, how can we forget those golden melodies with all those lovely interludes? Main yun hi ga rahi thi unke samne, tang 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 tang. So how can, even if you wake me up at 12 in the night, I can tell you the notations of all those great melodies. आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, of course आप इतने कुछ खास नहीं है, खास नहीं, मगर ये कैसे सुनते सुनते या आपकी उस ट्रेनिंग रही है उसमें? बचपन से आदत रही, बहुत
फिल्म संगीत सुनने की जी। फिर वैसे स्कूल में भी हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। अच्छा। एंड आई वाज नेस डिबेटर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आल्सो इन तमिल एंड इन फैक्ट आवर यूनिवर्सिटी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट। अच्छा। और उसमें आप भी शामिल थी। आई वाज द ओनली गर्ल, द रेस्ट ऑफ देम थ्री वेयर बॉयज, दे यूज्ड टू टीज मी अ लॉट। अच्छा। सो यू हैड, डिड यू फील दैट ग्रोइंग अप एज अ गर्ल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ योर टाइम वाज नॉट एन इजी थिंग? आई वुड पुट इट दिस वे, I never knew the typical childhood of just going and playing. I was all the time on the stage. Even during holidays, मैं स्कूल में बहुत काम करती थी। लेकिन आपकी मर्जी से या क्योंकि आपको करना ही था? मर्जी से। I was into some 22 activities in my school during my school days, and I got the all-round talent shield. And when I passed out, I got 17 prizes in handwriting, elocution, acting, music, drawing, painting, cooking. तो एक एक पे मेरे ख्याल से एक एपिसोड बनना बन सकेगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर उनको स्कूल में 17 प्राइज मिले हैं तो आज वो 17 भाषाओं में भी गाती हैं या शायद उससे ज्यादा, ऐसा सही है ना? हमारा तो महान देश है भारत, और कुछ 14 लैंग्वेजेस में मैं गाने कुछ 8,000 करीब मैं गा चुकी हूं। 3 एक्स्ट्रा कर दिया मैंने। और कुछ सुनना चाहेंगे? सारे 14 सुना दीजिए ना अगर हो सके। ना टाइम भी नहीं मिलेगा, कुछ मैं आपके लिए जरूर सुनवाऊंगी तमिल में। ये बहुत ही पॉपुलर मेरा फिल्म सॉन्ग रहा। अच्छा। इन राग श्री रंजनी में जी। नाद मेनुम कोविले ज्ञान विलकेत्रि वैते என்னை விட நீ கிடைத்தாய் நாதம் என்னும் கோவிலிலே ஆர் திருப்பதி மே பைட்கே मेरे तो रोंगटे खड़े हो गई थी। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ। और तिरुपति में मैं तो आई गेव अ कॉन्सर्ट इन तेलुगु फॉर 3 hours, और बालाजी मंदिर में तो बैठ के यू नो हाउ यू फील, वहाँ बैठ के तेलुगु में मुत्तकुरे अम्मलाला मुदुलाडु वीडे मुत्ते मुवले नुन्नाडु मुदुलाडु कन्नडा அம்மா நின்ன நம்பிதே அகிலாண்டேஸ்வரி சாமுண்டி சங்கரி அம்மா நின்ன நம்பிதே நின்ன நம்பிதே ஃபிலிம் கா கானா தா நே யே பிரைவேட் சாங் ஹே மேரா அச்சா மராத்தி விட்டலா ரே விட்டலா कंठालविता फुटला रे विठला रे विठला। And in recent times I've been going to Rajasthan so often. Your accent is perfect. वहाँ बैठ के उम्मेद भवन में बहुत पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर सा प्रोग्राम हुआ था जी। तो मुझे वो कैसेट भेजा गया, आप केसरिया बालम सीखे जरूर गए। तो अल्लाह जिला वाई जी के कैसेट से मैंने ये सीखे पॉलिश करके। बूढ़ी थी मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत ही, ये एक लाइन आपके लिए सुनाना चाहूंगी मैं। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश पधारो जी केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश। ये सब आप कहाँ पेश करती हैं? मैं आजकल वैसे भक्ति संगीत के कार्यक्रम बहुत मैं करती हूँ,
वो अलग अलग ढंग के प्रोग्राम्स होते हैं. एक तो होता है भक्ति संग, सिर्फ भक्ति संगीत का. कुछ कुछ होते हैं भजन्स, गीत, गजल और चॉइस फिल्म सॉन्ग्स, और भजन गीत लोक संगीत इस तरह. तो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न सो मच, प्रेजेंट आल्सो लॉट ऑफ वैरायटी इन माय प्रोग्राम्स. एक्चुअली इस वक्त हमारे स्टूडियो में कुछ उड़ीसा वासी भी हैं और मुझे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कुछ उड़ीसा में कुछ गा के सुना दें. आओ नो पारे चोली पथरे कलासीरी जीवी मु पासे तुम कोह की परी. आओ नो पारे. वाह जी वाह. इसका मतलब ऐसे नहीं, ये वो भगवान से वो बोलते हैं छोटे छोटे पादो मोरो एंड यू नो आओ न पारे छोड़ी पत्थर कड़ा सिरी. वो ये है भगवान के डिस्क्रिप्शन में, उनके डिस्क्रिप्शन में. और हम कश्मीर के रहने वाले हैं तो कश्मीरियों के लिए कुछ एक बहुत साल पहले श्रीनगर गई थी मैं. हाँ. वहाँ बैठ के ये सिखाया मुझे उन्होंने कि अच्छा? कुछ एक ही बाल बावस पन्नो इहाल बस इतनी सी. नहीं नहीं, बट बिल्कुल वो उसके जो एक फील है, इट इज लाइक इट हैज अ कश्मीरी टोन टू इट. यू कैन हैव दैट यू नो द प्लकिंग इज इन टोंग टोंग लाइक. हां, लाइक सितार की तरह आप भी उसका आप एकॉम्पलीमेंट सुना सकती हैं. तो ये आप जो फिल्मों के संगीत का जो एक दौर शुरू हुआ वो तो कुछ देर बाद शुरू हुआ. तब तक तो आप नौकरी वोकरी भी कर रही थी. जरूर, क्यों नहीं. पढ़ाई के बाद मैंने एक बैंक में भी काम किया. हाँ, तो बैंक में आपने काम किया या आप संगीत पे आपका ध्यान रहा करता था दिन भर? से काम करती थी, मन तो संगीत में ही था. अच्छा, तो ये क्या बैंक की नौकरी में क्या था, क्या काम था आपका एक्चुअली? अकाउंटिंग. आपके एक्सप्रेशन से बेचारे अकाउंटेंट बहुत परेशान होंगे इस तरह से. लेकिन अगर आपने, अगर आप संगीत नहीं अपनाती तो कोई दूसरी नौकरी या कोई और काम अभी कभी करती, क्या करती? शायद मैं पागल हो जाती. बचपन से यही ख्वाब रहा मेरे लिए कि मैं बड़ी हो जाऊं. और ख़ास तौर से पता नहीं मैंने ऐसे क्यों सोचने लगी, मैंने हमेशा सोचा इस ढंग से सोचा कि मैं बड़ी बन के, मैं बड़ी हो के मैं हिंदी फिल्म्स में गाऊं. और जब आप तूफान की तरह बोल रहे पपीहरा पपीहरा के साथ आप हिंदुस्तान की फिल्म के संगीत के मंच पे आईं, तो उस वक्त आपके पेरेंट्स को कैसे महसूस हुआ? इसके लिए वसंत, महान संगीतकार वसंत देसाई साहब को बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ. तो उन्होंने मुझे इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया. 1970 में गुड्डी की पहली रिकॉर्डिंग हुई थी ऑन दिसंबर 22. डिस्क्राइब कीजिए कि मतलब गाना कैसे आपके पास आया, आपको क्या महसूस हुआ, आपने कैसे उसको रिहर्स किया, क्या लगा आपको? उस वक्त मैं हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल उप शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से मैंने सीखा जी. फिर खान साहब तो खास दोस्त थे वसंत देसाई साहब के जी. फिर उन्होंने कहा देसाई साहब से कि मेरे पास एक मद्रास की लड़की, अब तो चेन्नई हुई तब मद्रास मद्रास की लड़की सीखती है और बहुत तेज है, आप जरूर उसका गाना सुनना. तो बस यूं ही उन्होंने बुलाया मुझे अपने घर पर. फिर उन्होंने गाना सुना मेरा और ऑन द स्पॉट उन्होंने तय कर ली कि वो गुड्डी में लड़की गाए, क्योंकि उस वक्त आनंद ऋषिदा की आनंद फिल्म रिलीज हुई थी. उसके बाद गुड्डी की बात चल रही थी. कुछ हिंदी गाना सुनाया क्या जी? क्योंकि मैं तो उस्ताद से सीख रही थी ना. अच्छा अच्छा, मगर आपने ठुमरी गजल शास्त्रीय गीत कुछ? हाँ हाँ, लाइट क्लासिक ठुमरी मैंने सुनवाई. जी हाँ जी हाँ. तो फिर देसाई साहब ने ऋषिदा और गुलजार जी को अपने घर पर बुलाए. फिर तीनों मिलकर ऑन द स्पॉट गाना सुनने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिए कि तो ये लड़की गाएगी तीनों गाने. अच्छा, मगर ये नहीं है कि आपने ये गाने का रिहर्सल किया फिर उन्होंने सुना और डिसाइड किया कि ये ठीक है ये गा सकती है, या दूसरा गाना सुन के उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये गाना गाएगी? नहीं, दूसरा ही सुना उन्होंने. अच्छा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि दादा ये वाणी जी से गवाएंगे. हाँ, तो ये आप जब गाना गा रही थी तो आपको क्या लगा जब आपने शुरू किया ये? से तो naturally first on the record first day when I recorded my first song, I was so nervous.
फिर क्योंकि वो वैसे तो पहली रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से एक भजन की हुई थी मीराबाई की, और बहुत अच्छा भजन था वो, मगर पिक्चर में नहीं है। और बाकी दोनों गाने बहुत ही पॉपुलर हुए, हमको मन की शक्ति देना और बोल रे पपिहर। मैं अपनी बेटी को वो गाना सुना करता था, हमको मन की शक्ति, उससे वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत सारे स्कूल्स में प्रेयर रखा गया उसको। तो देयर मस्ट हैव बीन वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल जब आप ये बहुत ही पॉपुलर गाना बोल रे पपिहर गा रहे थे, तो आपको लगा था कि ये बहुत हिट होने वाला है? वो मुझे कुछ मालूम नहीं था, जब हिट हुआ मैं रो पड़ी, क्योंकि आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ दैट बिनाका गीतमाला दोस्ट डेज। अच्छा, एवरी वेंसडे आई यूज्ड टू लिसन टू बिनाका गीतमाला। जी जी। तो एक दिन मैं आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स यू आर टीजिंग मी सो मच, मैं एक दिन मैं गायिका बन के मेरा भी गाना बिनाका गीतमाला में आया। और यकीन मानिए सिद्धार्थ जी, भगवान की कृपा से पहली फिल्म का गाना बिनाका गीतमाला में, बोल रे पपेरा, मैं आई वेप्ट लाइक एनीथिंग ऑन दैट डे। Today on this auspicious occasion, we'd like you to sing a verse from Bole Re Papiha for us. Bole Re Papihara, Papihara. बोल रे पपी हरा कित धन भर से नित मन प्यासा, नित मन प्यासा नित मन तर से बोल रे पपी बहुत खूब। लेकिन ये एक बात मेरे दिमाग में आई है कि आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली कर्नाटक संगीत में हुई, उस शैली में हुई, और भजन जो आप गा रही हैं या फिल्म के संगीत जो आप गा रही हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो तीन अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, कर्नाटक संगीत, फिल्म संगीत और भजन गायिका, ये गायकी, ये क्या चीज़, इसमें क्या क्या फ़र्क है, किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं? ज़्यादा कष्ट महसूस नहीं हो रहा, इसलिए कि आई जेन्युइनली फील इट इज गॉड गिवन गिफ्ट मी, बिकॉज आई एम एबल टू सॉर्ट ऑफ ग्रास्प एनीथिंग इन एनी टाइप ऑफ म्यूजिक एंड आई एम एबल टू। व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द एसेंस ऑफ दीस थ्री फॉर्म्स? एसेंस शुड बी, आई मीन व्हेन पीपल अटेम्प्ट, फोकस इस पे रहना चाहिए कि वो यू हैव टू हैव द करेक्ट इंटोनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, एंड बस व्हेन यू सिंग अ हिंदी भजन वो साउथ इंडियन ढंग का नहीं होना चाहिए, व्हेन यू सिंग अ ठुमरी इट शुडंट बी विद गमक, एंड सेम वे व्हेन यू सिंग अ चेस्ट तेलुगु सॉन्ग यू शुडंट हैव दैट हिंदुस्तानी मेड, सो तो सब अलग अलग। फिल्म का संगीत तो बिल्कुल हटके, तो इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, और वर्ड्स तो बहुत क्लियरली आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कुछ एक प्रोजेक्शन में भी होता है इस मामले में, आई यू सपोज टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ वेरी मच इन अ हिंदी फिल्म सॉन्ग, इज इट मोर, टेल यू, लेट मी पुट इट दिस वे, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, ए क्लासिकल कर्नाटक बेस्ड राग और अ फिल्म सॉन्ग? नहीं, दोनों अपने अपने जगह पे, बस जो भी आप करें ना वो श्रद्धा से करें तो नथिंग फेल्स। तो मैं ये कहूँगी कि आई डोंट स्पेयर एनी एफर्ट्स टू परफेक्ट एनीथिंग यू वांट टू लर्न। विच वुड यू क्लासिफाई एज वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल सॉन्ग्स? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 14 लैंग्वेजेस में मैंने गाए हैं और इतने इतने महान कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया,
साउथ के नॉर्थ के विद ऑल द टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड ईच वन सो ग्रेट इन देयर ओन वे. सो कहना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत मुश्किल है. मगर आपको अवार्ड तो कोई खास गानों के लिए मिले हैं, वो क्या है? गुड्डी फिल्म मेरी पहली फिल्म थी और उसमें ये पपेहरा गाने के लिए मुझे 5 अवार्ड्स मिले सिद्धार्थ जी. और तानसेन अवार्ड, ऑल इंडिया फिल्म गोएस अवार्ड, ऑल इंडिया सिनी गोएस अवार्ड और लायंस क्लब अवार्ड सब. जी हां, दैट इज अ ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली रेंडर्ड, ब्यूटीफुली कंपोज्ड सॉन्ग. एंड आई थिंक लेटर ऑन इवन इन शंकर भरणम वो गाना भी इतना खूबसूरत था. आई गॉट द प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर द सेकंड टाइम शंकर भरणम के लिए. वो गाने के बारे में कुछ बताइए. जब फिल्म बन रही थी तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि इतनी सुंदर फिल्म बनने वाली है. और बाद में प्रोजेक्शन के लिए हम लोग गए थे तो बस ऐसे रो रो के सब लोग बहुत ही एक्चुअली वी ऑल गॉट चोक्ड अप विद इमोशंस. इतनी सुंदर फिल्म बनी और खुद डायरेक्टर के विश्वनाथ जी वो कह रहे थे कि इवन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक अनदर फिल्म लाइक दिस. बहुत ही सुंदर फिल्म बनी. दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम दैट काइंड ऑफ फिल्म एंड दैट परफॉर्मेंस आल्सो. बट वो गाना बताइए क्या था, उसका मायना और कैसे था? वो मानस संचर रे गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला. मानस संचर रे ब्रह्मणी मानस संचर मदशिखी पिंचा महनीय कपोलजित मुकुरे मानस संचर रे. क्या सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस. जब गुरुजी लेटे हैं थके हुए और उनके पैर दबा के शिष्य सेवा कर, वैसे यू नो उस जमाने में गुरुकुल उस गुरु की सेवा कैसे करते थे लोग. तो पैर दबाता है ये छोटा सा लड़का, दबाते दबाते ये गा रहा है जो अभी लेटेस्ट उन्होंने सीखा उनसे. उसको मतलब बैठ के गुरुजी के पैर दबा के वो प्रैक्टिस कर रहा था. फिर अस्थाई गा के अंतरा में आ गया तो एक लाइन भूल गया लड़का. तो ऐसे गुरुजी ये समझता था कि गुरुजी सो गए अभी. तो ये आराम से गा रहा है मगर गुरुजी सोए नहीं, जागे हैं, गाना सुन रहे हैं लड़के का छोटा सा. और फिर जब ये भूल जाता है तब गुरुजी कंटिन्यूस द सॉन्ग. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस आई टेल यू, सच अ ब्यूटीफुल. इसका जब हिंदी वर्जन बना था तो उसमें आपने गाया नहीं था जी. मुझे बताइए कि ये हिंदी फिल्म संगीत का जो एक सिलसिला है, एक कमर्शियल सिलसिला जो है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने हिंदी फिल्मों में क्यों नहीं उसके बाद ज़्यादा गाना गाया? जी सिद्धार्थ जी, मैंने बहुत से संगीतकार के पास मैंने काम किया. जैसे गुड्डी रिलीज हुई 71 में सितंबर, होल ऑफ 72 आई वाज सिंगिंग फॉर ऑल द टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक मदन मोहन जी, नायर साहब, जयदेव जी, एस एन त्रिपाठी जी, चित्रगुप्त जी और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी भाई, सबके पास मैंने काम किया. करियर सस्टेन नहीं किया और बस एक एक गाना रिकॉर्ड होने के बाद पता नहीं काम मेरे पास आया नहीं है. एंड इट्स नॉट इन माई नेचर टू sort of ask anyone for work. I mean, whoever calls me, I say. चलिए, it was our loss, I think, जो आपको और इतने offers नहीं मिले, लेकिन एक बड़ा अच्छा offer आपके पास आया, पंडित रविशंकर जी का. जी, सालों बाद. अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं ऐसे खाली बैठी थी, और हिंदी फिल्म्स में जब काम कम मिलने लगा तो मद्रास में खूब काम मिला है मुझे. लेकिन वो भी एक आयरोनिक सिचुएशन थी, तो शायद साउथ के लोग, क्योंकि आप हिंदी फिल्मों में गा रही थी, उन्होंने सोचा कि आप साउथ नॉर्थ इंडियन हैं. नहीं नहीं, तब एक बार मैं एक हिंदी फिल्म डबिंग के लिए मद्रास गई थी मन्ना दा के साथ. संपूर्ण रामायण फिल्म हिंदी में डब हो रही थी जी.
तो मन्ना दा के साथ मैं गई थी मद्रास गाने के लिए, तब उनको पता चला कि ये लड़की मद्रास की है। तो वो सब कहने लगे कि हमने सोचा आप हिंदी में गाती तो आप नॉर्थ इंडिया की होगी। तो जब उनको मालूम हुआ कि मद्रास की लड़की हूँ, तो उन्होंने सभी ने बुलाया मलयालम तेलुगू तमिल फिल्म्स में गाने के लिए। और इन एवरी लैंग्वेज द फर्स्ट सॉन्ग बिकेम सो पॉपुलर, विच एवर लैंग्वेज आई सैंग द फर्स्ट सॉन्ग इन बंगाली मलयालम तमिल हिंदी, all the first songs became so popular, so मैं खूब गाने लगी मद्रास में। Very good, but ये जो languages आप जानती थी, वो आपने develop किया उस वक्त या पहले से ही आपको काफी languages का ये एक knowledge थी आपकी? I think it's only a knack of, you know, learning the correct way of pronouncing. Intonations and the words and so on and so forth. So, matlab you will not be able to carry on a conversation in all these languages. Not in every language. Yes. Not in every, all the languages. Right. I'm going to ask you then, revert to Pandit Ravi Shankar. सालों बाद मुझे मिला गाने का मौका मीरा फिल्म में। सो नाइस ऑफ गुलजार जी, ही कॉल्ड मी व्हेन आई वाज इन मद्रास एंड ही सेड आप मेरी फिल्म की मीरा बनेंगी। तो मैंने कहा जरूर, मेरे लिए तो भाग्य की बात होगी। और उन्होंने कहा रवि जी म्यूजिक दे रहे हैं, पंडित रविशंकर जी, तो मैं और भी खुश हो गई। It was a great opportunity. I sang all the 14 pieces in the film. और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उसमें। Yes, yes, I still remember that it was the classic song which was a hit all over India on Mere to Giridhar Gopal. And it was such a pleasure working with Ravi ji. And being such an internationally renowned musician, he was so easy to work with. No ego, no complexes, right, and very simple, very nice person. And it was such a pleasure working. But did you? I mean, the tune is read. Start from right from the start. What tune? आपके पास है वो सब कुछ करना है. Rehearsals आपके ज़्यादा हुआ करते थे या सीधे आप बैठ गईं और आपने? नहीं, खूब rehearsal किया उन्होंने. हम लोग बहुत homework करके उसके बाद ही recording पे पहुँचे. अच्छा. And in fact, Ravi ji, I even preserved those notation papers. वो खुद अपने हैंड राइटिंग में ही यूज्ड टू राइट ऑल दोस नोटेशंस ऑफ द इंटरलूड्स एवरीथिंग सो सिस्टमैटिकली। तो कुछ इवॉल्व हुआ था ये जो गाना? राइट फ्रॉम द बैकग्राउंड स्कोर द इंटरलूड पीसेस रवि जी यूज्ड टू राइट डाउन एंड प्रिपेयर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब ये मेरे तो गिरिधर गोपाल जो गाना जो था, वो उसका ट्यून पहले से ही सेट था या कुछ अलग सा था और फिर उसको चेंज हुआ, ये फाइनल कैसे बना? और ये जो गाना जो आपने गाया until the final time, was it the same from the beginning to end? जब रिहर्सल के लिए रवि जी के पास हम लोग पहुंचे, तब उन्होंने इसी धुन पे उन्होंने सिखाया कि ऐसा ऐसा सीन है इसमें, आप एक बार आप सोलो गाएंगे, उसके बाद जो तानसेन बन के आते हैं उनके लिए दिनकर जी ने गाया, तो उनके साथ भी दूसरा वर्षन। सो एवरीथिंग वाज फिक्स्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वहां से भजन का एक सिलसिला शुरू हुआ। आप वहां आज भी भजन गा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वहां से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्लेबैक सिंगर बनी 70, उससे पहले मैं भजन सम्मेलन में गा रही थी। अच्छा। 68-69 की बात है। एंड आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन भजन सम्मेलन दैट यूज्ड टू टेक प्लेस इन रंग भवन इन मुंबई, एंड आई लर्नड भजन इवन बिफोर आई बिकेम अ प्लेबैक सिंगर। आज आप ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली भजन गा रहे हैं? जी। क्यों? क्यों का ये जवाब है कि one thing I genuinely feel at this stage of my career, I want to sing this type of unpolluted devotional music. Reason number two is, as a human being, when you grow, every human being will experience that, will feel that way. At a particular stage, you want to get into this mode more and more. So I feel I've got into that mood totally, and मैं टॉल क्लेम नहीं लूँगी, बहुत से अच्छे अच्छे भजन सिंगर्स हैं हमारे देश में, बट इन माई ओन हम्बल वे आई एम प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ डिवोशन। आपको लगता है वो स्टेज आ गया? आप ऐसे तो लगता नहीं है कि आप उस स्टेज पे हैं जहाँ आप सिर्फ भजन पे ध्यान दें। काफ़ी पुरानी हूँ मैं। बिल्कुल नजर नहीं आती, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। थोड़ा रुकते हैं और वो चलाइए। हाँ चलाइए। hmm.
वानी जी, ऐसा लगता है कि हमारे सोच विचार काफी मिलते जुलते हैं, शायद हमारी पोशाक भी इसलिए मिलते जुल रहे हैं। ये सीम्स टू बी वेरी मैचिंग। दिस इज अ फेवरेट कलर ऑफ योर्स? या इट इज। ऑरेंज? ऑरेंज एंड क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन पिंक एंड ऑरेंज पर्पल। But would you, what is, how, what is your favorite kind of, how do you like to dress? What sort of, do you like to dress formally or informal dress karna chahti hai? Kis tarah se, are you a fussy dresser or are you a very simple dresser? Is maamle mein to main bilkul zero hoon. जीरो लग नहीं रही है वैसे वाणी जी। ये तो जब प्रोग्राम करते हैं करना पड़ता है, नहीं तो आई एम नॉट टू वेरी फसी एट ऑल। तो ये बात जा रहा है जैसे पूछी जा रही है। आई जस्ट गेट रेडी इवन फॉर माय कॉन्सर्ट नो मैटर 5 मिनट्स। अच्छा, तो ड्रेस पेस पे ध्यान ज्यादा नहीं देती हूं मैं, गाना ठीक होना चाहिए बस। हां, तो उसके लिए मतलब आपका रियाज वगैरह चलता रहता है दिन भर? तो जरूर करना है। तो आप यकीनन कुछ ना कुछ आपका एक पूरा रूटीन होगा आपके दिन में, किस तरह से होता है? मैं घर में सारा काम करती हूँ सिद्धार्थ जी। ओ? मेरे पास कोई कुक नहीं है। अच्छा? मैं खुद खाना बनाती हूँ और सुबह उठ के एक्सरसाइज करके फिर पूजा का जो कमरा है उसकी सफाई से लेकर फिर खाना बनाना सब कुछ, डस्टिंग से सब कुछ मैं करती हूँ। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ एक्सरसाइज मीनिंग इज दिस विगरस एक्सरसाइज और इट इज वॉकिंग? Vigorous nahi hai, certain basic exercises I do. What are those, yogic types? Nahin. Not yogic types. Is it 5BX, the American exercise system? Nahin, singer ke liye jo allowed hai, wo karti hoon main. Oh, but then that means, are you talking about singing exercises, are you talking about physical exercise? Singing ka bhi karna hai, karna zaruri hai, aur physical exercise also is very very important. Achha, to ye when you say subah uthti hoon, to subah kitne baje uthti hai aap? Subah utne jaldi to nahi uth paati hoon, kyunki अगर आजकल उठती हूँ क्योंकि सुबह अभी क्लासिकल संगीत का भी प्रोग्राम आता है, सुनने में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ, तो मैं आजकल सुबह उठ जाती हूँ। आपके प्रोग्राम तो कॉन्सर्ट्स देर तक चलते होंगे, इसलिए सुबह उठना मुश्किल। ऐसे काफी सालों से रात को एक एक दो बजे तीन बजे तक हम रिकॉर्डिंग करके आते थे ना, तो उसकी आदत पड़ गई, तो इतनी जल्दी नींद नहीं आती 8 बजे 9 बजे। तो फिर अगर जल्दी भी खत्म हो जाए तो 9 बजे 10 बजे के बाद मैं खूब पढ़ती हूँ। अच्छा, तो 12-1 बजे तक कुछ पढ़ती हूँ। I thought so. मतलब जब आपको 17 प्राइज मिले हैं स्कूल में तो यकीनन कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आप आज भी कर रही होंगी। तो ये आप पढ़ती हैं और मतलब थ्रिलर्स पढ़ती होंगी, सस्पेंस पढ़ती हैं? थ्रिलर्स नहीं है, सस्पेंस नहीं है, क्राइम नॉवेल्स भी नहीं। I read a lot of autobiographies and biographies of artists. Achha. फिर spiritual books भी। अच्छा। Swami Vivekanand जी की किताबें और lot of books. No, then I must really say that I am more convinced now कि आप कह रहे हैं कि वो आपका एक ध्यान और एक स्टेज है, but ये किताबें आप हमेशा से पढ़ रही हैं, इसमें कुछ एक प्रेरणा आपको मिलती है या कुछ आप लिखती भी हैं अपने साथ साथ? मैं इस तरह से मैं सोचती हूँ कि जो भी हो एंड दे वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स गुड एंड बैड, मगर ये जो हंस पक्षी जो कहते हैं ना हम लोग, कि आई ऑलवेज ट्राई टू टेक द प्लस पॉइंट्स फ्रॉम एनीबॉडी एंड एवरीबॉडीज लाइफ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इवन फ्रॉम आवर मेड सर्वेंट। अच्छा, सो आई लुक एट लाइफ दैट वे। सो यू आर ऑब्जर्विंग ऑल द टाइम? यस। एंड व्हाट यू ऑब्जर्व, डू यू नोट डाउन? Because see, sometimes you may not possess that kind of patience another person has. Sometimes we may not have the temperament another person has. These things don't have degrees of human beings ki high low a level. ऐसी बात ही नहीं है human beings में. We are all one in front of the Lord. Is there any example that you have of how you have learned something very interesting from somebody who you would never feel would give you that kind of insight? जैसे आपने कहा मेड सर्विंग की बात। मैं बच्ची थी तब ऑन माय बर्थडेस आई यूज्ड टू टच द फीट ऑफ माय मेड सर्वेंट। अच्छा। सो माय मदर यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ टीज मी कि अजीब लड़की हो तुम कि ऐसे, तो मैं आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद माय मदर सेइंग कि इफ यू आर ओल्ड she also is around your age and she has seen that much of life as you have, there's nothing wrong in touching her feet. जी जी।
I see. No, that's a very wonderful attitude. I'm sure you must have put some of your thoughts down on paper. Certainly, आजकल मैं कविताएं खूब लिखती हूँ, तमिल में, हिंदी में भी लिखती हूँ, और बस खाली एक भजन भी ऐसे इस ढंग से मैंने लिखा कि दासी होकर तेरी मैं उदास कैसे रहूं प्रभु. अच्छा. दासी होकर तेरी मैं उदास कैसे रहूं प्रभु. बस आस पास के लोगों ने मुझे प्यार के बदले जहर पिलाए, चाहे सारे जग रूठे राहें ना बदलूं प्रभु. मगर आप हिंदी में लिख रही हैं? जी, हिंदी में, तमिल में. खाली मैं आठ गाने कार्तिकेय भगवान के ऊपर तमिल में लिखे जी. उसका कैसेट भी मैंने बनवाया, बहुत अच्छा नाम मिला उसको. अच्छा. और उसमें कुछ रेयर रागास में मैंने गाने बनाए हैं, जिसमें मेरे साथ गटम पर विनायक राम जी थे. अच्छा. मृदंगम पर गुरुवायर दोरे जी. अच्छा, और अच्छा. तो ये मतलब रेयर राग्स, मतलब क्यों ये राग्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं? पता नहीं, सुबह चार बजे, पाँच बजे कुछ इस तरह के, मतलब मेरे मन में एक राग तो ऐसा मिल गया मुझे, उसमें सिर्फ चार नोट्स हैं. अच्छा. स ग म ध सा सा ध म ग सा, ओनली सा ध म ग सा ध म ग, ओनली फोर नोट्स. राग का नाम, वो राग का नाम मैं बहुत से स्कॉलर्स के पास जाके बैठ के काफी बुक्स में रेफर किया मैंने. अच्छा. इस राग का कुछ नहीं है, इवन वीणा बालचंद जी से, एल्डर ब्रदर. मगर आपको मिला कहाँ से? दिमाग में आया बस. देन आई हैड टू गिव अ नेम सॉर्ट ऑफ, इफ एनीवन, इफ एट ऑल एनीवन आस्क्स मी अबाउट इट. अच्छा अच्छा. नहीं, इन द सेंस कि ये एक ओरिजिनल राग नहीं है, ये आपके? नहीं, इट्स बिकॉज़ ओनली फोर नोट्स इन दिस. आई रेफर्ड अ लॉट ऑफ बुक्स कि ऐसा कोई राग है कि नहीं. नहीं, नहीं मिला मुझे. अच्छा अच्छा. तो आप जरा विस्तार से हमें सुनाएं, क्योंकि चित्तस्वरम मैंने बनाई. कंदा गुहा इंद्र कलियुग दैवतै करैंद अळैताल काक्षि तरुवान, पार्वती मैंदा परम दयाला அவனை பாடி பணிந்தால் பரவசம் கொள்வான். தாசா தச ததம ததம கமசா சகம கச தச காம தாசா தச ததம ததம கமசா சகம கச தச காம மகச தம க சதம கச தம தச க சதம க சகம த கம தச மதச க மம த க சத க க ச சதம ச சதம க ச கந்த. இஸ் தர. அரே வா வா, பஹத் கூப். லேக்கின் ஆப்னே நாம் கியா தியா ஃபிர் இஸ்கா? ஐ கன்சல்டட் அ லாட் ஆஃப் வெரி வெரி லேர்னட் மியூசிகாலஜிஸ்ட். மை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தே ஜஸ்ட் டோல்ட் மீ கி யூ You just name it as Purna Phalamanjari. Which means? Phalamanjari naam se ek raag hai. Achha, achha. So you just give it Purna Phalamanjari. Purna Phalamanjari. Bahut khoobsurat raag jo humne abhi suna. Aur hum aapse kuch kavita bhi sunna chahenge. Jo shayad aapne kuch modern verse ki, kisi bhi language mein ho. But kuch aap sirf traditional type of poetry likhti hain? या कुछ मॉडर्न वर्स में भी आप कुछ लिखती हैं? ट्रेडिशनल नहीं, आजकल जो बस आसपास देख रही हूँ एंड ऑल टॉपिक्स मैं लिखती हूँ. जैसे अभी संगीत का हाल है, या पिक्चर बनाने का तरीका जो है, या तो ह्यूमन नेचर है. कि मैं इस एक बार मैंने अपनी फ्रेंड को देखा, को बर्ड्स को केज में रखा उन्होंने. अच्छा. तो वो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं सोचने लगी कि आज़ादी सिर्फ हमारे लिए नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, आज़ादी इन पक्षियों को भी मिलनी चाहिए, आज़ादी दिल की. तो मैंने यूं ही लिखा कि इन तमिल, तो जस्ट आई विल जस्ट ट्रांसलेट इट फॉर यू. मैंने कहा कि वो जो Without a weapon or a... Say it in Tamil first. Say, haan, say it and then explain to us. Katti inri rattam inri Gandhiji andru namakku vangi kudutta sudandiram namakku mattum alla thozhi nammai chaarndha ivaigalukkum kudadhaan inroru naal pogattum naalai mudal ivai indha kiligalai parakka vidu. I see. So I just, I made a request to her ki from tomorrow please let these birds
बिकम फ्री इन दिस फ्री वर्ल्ड. इट इज फ्री. इफ द वर्ल्ड इज फ्री, व्हाई आर द बर्ड्स केज? व्हाई आर वॉइसेस केज? व्हाई आर पीपल केज? एंड व्हाई आर देयर वॉर्स? आई थिंक सद्दाम हुसैन पे भी आपने कुछ लिखा है शायद. वो क्या लिखा आपने? नहीं नहीं, उन पर खास ऐसी बात नहीं है जो विषय पे कि नहीं. उस वक्त जो युद्ध चल रहा था तो उसको लेकर मैं बहुत परेशान हुई कि इतने सारे लोग मर रहे हैं. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इट कुड हैव बीन अनदर पर्सन आल्सो, बट कि मैंने बस यूं ही सोचा, मैंने लिखा कि चलो सद्दाम जी, अपने देश की नारियों के हाथ ये खून का रंग मत रंगाओ, मेहंदी का रंग रचाओ. मेहंदी का रंग रचाओ, बहुत खूब, बहुत खूब. अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो रंग आपके सामने है, ये खूबसूरत कार्ड जो है और शुभकामनाएं जो हमें मिली हैं, ये वानी जी के हाथ का बना हुआ है. दिस इज़ हर ओन स्केच मेड जस्ट अ लिटिल वाइल अगो. देखिए कितना खूबसूरत है. तो वानी जी, आप ये स्केचिंग आमतौर पे करती? बचपन से मैं करती आ रही हूँ. आई एम नॉट अ ट्रेन्ड पेंटर और अगेन इट्स अ गिफ्ट. और ये कुछ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. मैं जब भी कुछ ड्राइंग शुरू करती हूँ कि पेंसिल से स्केच नहीं करती. अच्छा. डायरेक्टली मैं इंक से स्टार्ट करती हूँ. तो उसका स्केच नहीं करती मैं. तो फिर डायरेक्टली शुरू कीजिएगा. अभी कैमरा इज ऑन यू, लाइव एक्शन इज ऑन हियर. आई एम नॉट अ वेरी बिग आर्टिस्ट दैट वे. या बट आर यू गोइंग टू टेल अस व्हाट यू गोइंग टू डू और यू गोइंग टू जस्ट मेक समथिंग? ओम, वी शुड पुट अ लिटिल टुवर्ड्स हियर. ओके, दिस इज ये आप डिजाइन बना रहे? अब नजर आया. वेरी नाइस. ओके, आप लोग पहचान सकते हैं कि ये क्या बन रहा है? आज का सवाल. वेरी नाइस. मेरे मन मंदिर में म्यूजिक क्या लिखा है आप जरा बताइए. मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस द एंटायर टीम ऑफ सुरभि एंड द एंटायर कंट्री एंड द वर्ल्ड टू. आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच वानी जी. वी शुड प्राइज दिस. आप अपना सिग्नेचर तो दीजिए इस पे कहीं पे, यहाँ यहाँ पे इसको बनाइएगा. यूँ लिखिएगा. Okay, fine. Thank you very much. Special gift from Vani Zaira. And see, there is a signature. Okay, all right, let's cut it for a second. And let's get it. वानी जी, घर में आप सब कुछ करती हैं, खाना पकाती हैं, सफाई करती हैं, तो आपके हस्बैंड जयराम जी आपको कुछ मदद भी करते हैं? जरूर करते हैं. और अच्छा, क्या मदद करते हैं बताइए. इट्स अ वेरी नाइस पर्सन. बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये नहीं है. ही इज वन ऑफ दोस हु जनरली बिलीव्स दैट आई मीन वर्क मींस शेयरिंग. अच्छा, सो इज ही कुकिंग द फूड विद यू? When the necessity arises, he doesn't hesitate to. But otherwise, I'm there to cook for him. Ah, but what do you cook normally?
नो ही प्रेफर्स अ टिपिकल साउथ इंडियन मील, तो मैं उनके लिए सांभर रसम सब बनाती हूँ। अच्छा, और आप क्या प्रेफर करती हैं? I'm not too particular about it, but he is a little fussy eater that way ki the food has to be very very hot for him. Hot yani ki mirchi honi chahiye, garam honi chahiye. Mirchi nahi, spicy nahi hai, garam khana to garam chahiye unko. So he doesn't like it cold and all that. So he's particular about certain things. Fresh usko garam karke aapko unke samne dena hai. Acha mujhe bataiye, inhone bhi music mein training di hai Pandit Ravi Shankar ke sath, to क्या इस कारण आपने इन्हें चुना? वो म्यूजिशियन भी था? मैंने नहीं चुना, इनफैक्ट ये सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे, उनकी माँ ने मुझे सेलेक्ट किया, माँ ने आपको चुना। तो फिर अब जयराम जी के इस पे क्या राय थी? मैं उनसे मिले भी नहीं हम लोग। अच्छा। शादी से पहले बस मेरी जयराम जी की माँ जो हैं, एक फंक्शन में मुझे देखा, मेरा गाना सुना उन्होंने कि बहुत पसंद हुआ गाना, और साथ में लड़की, तो उन्होंने बस उसी वक्त कुछ अपने आप तय कर ली कि शी विल बी माय सेकंड डॉटर इन लॉ। अच्छा। सो शी टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस अलायंस एंड शी परस्यूड द मैटर एंड आई गॉट मैरिड। देन उसके बाद जो फॉर्मली जो लड़की देखने आते हैं, तब जयराम जी आए उनके साथ। अच्छा। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? That's a nice way of finding my age. I was 24 when I got married. But उस वक्त आपको ये फीलिंग नहीं थी कि अरेंज्ड मैरिज का अभी एक जमाना शायद निकल गया है, अभी हमको एक अपने तरीके से करना है, अपनी मर्जी से? I come from a very very orthodox and strict family. Like my mother was very very conservative. Or you'll be shocked to know that when after everything was fixed up, shaadi ki baat to pakki ho gayi, uske baad Jairam ji, when he wrote a letter, my mother wouldn't let me open that. Us chitti mein kya tha vaise? I didn't get to read that. You don't even know what was in the letter. Ye cheez hum waqai chupchap se alag se unse pooch lenge ki kya likha, halanki none of these things should be committed to writing in any case. But you tell me, what in your opinion today, would you say that there is some merit in the system that we've had of a marriage being arranged by families and by understanding of people's backgrounds and so forth, rather than one's own free will? Is there some merit in that? Just like, you know, the disease called cancer, which has no logic. You know, we say if you smoke you'll get cancer, or if you, okay, it adds to your problems, I don't deny that, but at the same time I have known of so many cases where they haven't done a thing bad but still they've got cancer. So same way this institution, it's a great institution, this marriage is a great institution, but it has no, it is just a jackpot, it is a big gamble. If you are blessed that way, then you have a happy marriage. So it's not in our hands. चाहे arranged हो, चाहे free will का। It's just not in our hands. But it's only, you know, you sort of bless your stars that if it really turns out happy. So that way, I mean, our family just took a chance. But my mother was had to be convinced a lot. This at home, explaining things to her that this family will be very very helpful to my career in music and my talents won't go waste. Tab wo convince. She wanted an assurance that Jairam ji would allow you to sing. Is that the basic thing? Basic thing, and any mother would feel that way. तो आपने कभी उनसे पूछा मैं गाऊंगी आपको इतराज नहीं होगा? उनसे बात बात कुछ नहीं किया. उनसे बात ही नहीं की आपने. पहली बात. I have total faith in her. मैं तो बता दीजिए, बात आपने कब की, किस पॉइंट पे की, शादी के बाद या शादी से पहले? No, we were not, I mean, my mother was so strict, I didn't even talk to her. But this is a charming indication of, you know, how things have changed in a sense in time and how you have lived through so much of change in time. वाणी जी, इस सिलसिले में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, और ये है कि Children are part of
the joy that life gives one. How have you faced, or how have you adjusted to a situation where there are no children in your life? If I tell you this, you know, I mean, it will be difficult for you to believe, but from day one, I started getting recordings. Achha. You may ask how. शादी हुई उसके बाद इमिडिएटली जयराम जी बेल्जियम चले गए. ही वॉज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ बेल्जियन चेंबर ऑफ कॉमर्स. फिर उसके बाद वापस आए, देन आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब. आई वॉज सो बिजी लर्निंग, देन वी थॉट आई वुड लर्न म्यूजिक एंड देन. फिर उसके बाद द डे आई कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्सर्ट्स. Then immediately, you know, those days we used to record a lot for advertisement jingles. Jee. And I got so busy in that. Yeah. Then. Good God. This is. Hello. Yeah. No, I'm in the middle of recording. I'll call you back later. I should have put it on. Sorry. Please. Shuru se bolo. Take that position about your recording start. धप धप करो उसमें. यहाँ से बोलूँ मैं? आफ्टर योर क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द आंसर पोर्शन. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. हाँ, सो हाउ हैव यू एडजस्टेड टू दिस सिचुएशन ऑफ नो चिल्ड्रन. From day one, we got so busy, and I started getting a lot of, you know, invitations to do advertisement jingles, and I was so busy doing them. Then I started getting concerts. तो जब आपका ऐसा हाल हो जाता है कि सारा दिन आपका संगीत में जाता है, then it is so fulfilling. You don't think about any other, and this is not to sort of cover up anything. We genuinely, I don't feel any shortcoming about it. Right. In the sense that aapke sangeet, aapke gaane jo hain, they are like your children in a sense, or they are. I'm so happy to be singing somewhere. No, but it makes so many thousands of people happy. That's right. And are you happy? Absolutely. Can you convey that happiness to us? In a song for everybody at the end of our interview today. कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? आपकी पसंद का हम सुनना चाहेंगे इस वक्त. बस आजकल तो दुनिया में बस ये प्यार की बहुत कमी होती जा रही है. जी. हम लोग काफी लड़ रहे हैं, शांति नहीं है. And let's all be united and let's love each other and let's be really happy. मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी, मन मंदिर में हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ. आखिर में, खत्म होने से पहले, मैं एक प्रश्न जो मैं भूल गया था पूछना चाह रहा हूँ. आपकी वहाँ चेन्नई में आजकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या होता है आपके? अच्छा. क्या करते हैं वहाँ पे? आप उसमें खुद गा रही होती हैं या इट इज लोग आते हैं वहाँ पे? किस तरह के लोग आते हैं? सभी तो, इट्स ओपन टू एवरीबॉडी, सब आते हैं रिकॉर्डिंग करने. आपको इसका ध्यान कैसे आया? आफ्टर ऑल ये काफी, इसमें काफी एडमिनिस्ट्रेटिव काम लगता होगा. बहुत लगता है. जयराम जी खुद करते थे, पर आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है. अच्छा. फिर तो जब आप वहाँ नहीं होती हैं तो कोई नहीं, मुश्किल पड़ रहा है. बिकॉज थिंग्स गो रॉन्ग इन योर एब्सेंस. ट्रूली. बट यू आर, कैन यू थिंक ऑफ सम वेरी इंटरेस्टिंग और फेमस सॉन्ग्स व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड इन योर स्टूडियो? हाँ, बता सकती हूँ. बस बताइए ना. नहीं, मैं, यू आर ऑन, दिस इज ऑन कैमरा. Yeah, yeah. So this is what I wanted to talk about your studio, because you want to film your studio also. Studio, हमें इस वजह से खोलना पड़ा कि I didn't see many cassettes of mine in the market. इस बात को लेकर मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत से companies नहीं record करते हैं, और record करते तो supply भी नहीं
सो तो नेचुरली वी आर वेरी स्मॉल पीपल, हम लोग क्या कर सकते हैं, इट्स अ नोशन. सो वी हैड टू स्टार्ट, देन वी स्टार्टेड डूइंग आवर ओन प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव दैट वी हैव टू डू समथिंग फॉर पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना है. एंड सम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स वी अंडरटुक बिरजू महाराज जी के साथ, मैं पंडित बिरजू महाराज जी के साथ दो प्रोजेक्ट्स मैंने किया, एक तो ठुमरी दादरा और भजन, दूसरा होली के गाने, हम दोनों मिलकर गाए दोनों कैसेट्स. जब महाराज जी मद्रास आए थे उनके साथ बैठ के हम लोगों ने काम किए. फिर गीत गोविंद की रिकॉर्डिंग करी, जिसमें मेरे लिए भाग्य की बात है महान गुरु जी केलुचरण महापात्रा जी ने पखावज बजाए और प्रफुल्लकर जी का म्यूजिक है. फिर मराठी में मैंने दो कैसेट्स का काम किया, मैंने वेरी ट्रेडिशनल अभंग्स एंड सॉन्ग्स, उसमें एक 100 साल पुरानी बैठक स्टाइल की लावनी भी है. सो एंड देन वी हैव डन, आई हैव रिटन माय ओन, आई मीन तमिल सॉन्ग्स माय ओन रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी तमिल में, ईसोपनिषद, बहुत से प्रोजेक्ट्स हमने किए. अच्छा, बट ये डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर रही हैं? मार्केटिंग बहुत मुश्किल है जी जी, बिकॉज़ वी आर अ ड्रॉप इन द ओशन, क्या करें. आई नो, बट अदर पीपल आल्सो रिकॉर्ड इन योर स्टूडियो? या, दे डू, इट्स ओपन टू एवरीवन एंड लॉट ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट्स हैव कम एंड रिकॉर्डेड इन आवर स्टूडियो. आई वुड बी वेरी कीन कि एक तमिल गाने की कुछ झलक आप हमें बता दें खत्म होने से पहले. உன்னை பாட அருள் புரிந்தாய், உன்னை பாட அருள் புரிந்தாய், என் மேல் உன் உயர் கருணை தேன் சொரிந்தாய், மீனாட்சி உன்னை பாட அருள் புரிந்தாய், என் மேல் உன் உயர் கருணை தேன் சொரிந்தாய், மீனாட்சி உனைப்பா.